हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक्सेल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर ट्रिम फार्मूला, लेन फार्मूला और रिप्लेस फार्मूला कैसे काम करता है। ट्रिम फार्मूला, लेन फार्मूला और रिप्लेस फार्मूला क्या होता है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है एक्सेल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो आए उससे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि ट्रिम फार्मूला क्या काम करता है। सपोज करिए कि आपने किसी सेल में एंट्री की हुई है और दो नामों के बीच में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में ज्यादा स्पेस है, तो आपको ट्रिम फार्मूला क्या काम करता है कि दोनों की जो स्पेस होती है उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि ट्रिम फार्मूला, लेन फार्मूला और रिप्लेस फार्मूला, यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिम के लिए। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पे सेल में एंट्री हुई है नाम और यहाँ पे स्पेस है, काफी ज्यादा स्पेस है, और इन सब में बाकी में देख रहे हैं स्पेस कम है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ट्रिम फार्मूला पे यूज किए हुए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पेसिंग कम हुआ हुआ है। चलिए फिर से भी चेक कर लेते हैं। इक्वल टू साइन लगाते हैं और टाइप करते हैं ट्रिम, कोष्टक लगाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट मांग रहा है, तो टेक्स्ट के लिए इस पर क्लिक करेंगे और कोष्टक बंद करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तनवीर और आनंद के बीच में ज्यादा स्पेस था वह कम हो गया है। बात करते हैं दूसरे फार्मूले की, लेन फार्मूला। लेन फार्मूला क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए कोई नाम है रवि और कुमार, तो रवि और कुमार में कुल कितने करेक्टर एंट्री हुई है, कुल कितने करेक्टर का लिखा हुआ है, तो हमारा लेन फार्मूला काउंट करता है कि कुल कितने टेक्स्ट का हमारा नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, चलिए ऐसे ही लेन फार्मूले को जान लेते हैं। फिर इक्वल टू साइन लगाएंगे और लेन टाइप करेंगे, कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक लगाने के बाद फिर यहाँ से टेक्स्ट मांग रहा है, तो टेक्स्ट के बाद हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कोष्टक बंद करके एंटर मारेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 करेक्टर दिखा रहा है कि तनवीर और आनंद में 13 करेक्टर है। एक बार काउंट कर लेते हैं, आप देखिए 3, 4, 5, 6, 7 और एक स्पेस वाला भी 8, 9, 10, 11, 12 और एक 13। मतलब यह कि जो नाम रहता है, नाम के बीच में जो स्पेस रहता है, उसको भी यह काउंट कर लेता है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिप्लेस फार्मूले की। तो दोस्तों, रिप्लेस फार्मूला मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि रवि और कुमार लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि रवि, फिर से देख लेते हैं, इक्वल टू साइन लगाएंगे और हम यहाँ रिप्लेस टाइप करेंगे, रिप्लेस कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक लगाने के बाद ओल्ड टेक्स्ट मांग रहा है, तो हम इस ओल्ड टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। ओल्ड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कामा लगाएंगे, स्टार्ट नंबर कितने नंबर से स्टार्ट हो, तो हमारा यह नाम जो है वह 3, 4, 7 और एक स्पेस 8 अक्षर, और यहाँ से शुरू हो ए से, तो हम यहाँ पे 9 टाइप करेंगे और कामा लगाएंगे, कितने अक्षर का हम चाहते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर मान लीजिए हम 5 अक्षर का चाहते हैं, फिर कामा लगाएंगे और कर रहा है न्यू टेक्स्ट, फिर डबल इंटर कामा लगाएंगे और जो भी मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ आनंद की जगह सिंह हो जाए, तो सिंह कितने अक्षर का है, 5 अक्षर का है, फिर डबल इंटर कामा लगाएंगे और कोष्टक बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि तनवीर आनंद की जगह तनवीर सिंह हो गया है।